अस्सलाम वालेकुम, आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आसिफ नगर के एसीपी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आवाम अगर कल से गैर जरूरी यानी बिना किसी काम के घर के बाहर निकलेगी, सड़कों पर फिरेगी तो उन्हें पकड़ कर केस दर्ज किया जाएगा और उन्हें 2 साल की जेल भी हो सकती है। खैर, वैसे हम भी आवाम से बार बार अपील कर रहे हैं कि भाई आपको बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले। सड़कों पे हम देख रहे हैं, दिन के टाइम हमारा सर्वे चल रहा है, जब भी हम सड़क पे जा रहे हैं तो ट्रैफिक थोड़ी बहुत नजर भी आ रही है। खैर, अदबन गुजारिश है भाई, 2 साल की सजा आवाम क्यों काटेगी अगर अपने घरों में ही बैठे रहे। हर मोहल्ले में हर चीज दस्तयाब है, मेडिकल शॉप हो या तरकारी मार्केट हो या फिर राशन की दुकान हो, हर किसी के मोहल्ले में ये मिल सकता है। फिर उसके बावजूद आपको मोहल्ला क्रॉस कर सड़कों पर जाने की क्या जरूरत है? बिना वजह आप फिर रहे हैं, फिर पुलिस का नाम खराब हो रहा है। अगर पुलिस गुस्से में आकर आवाम को पीट भी रही है तो उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो देखकर हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। हमने भी कहा था कि पुलिस गलत कर रही है, लेकिन पुलिस की मजबूरी को भी समझिए, क्योंकि पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अगर पुलिस ही कंट्रोल कर सकती है आवाम को, वरना ये कोरोना वायरस की बीमारी फैल गई तो आप यकीन जानिए, मैंने इससे पहले भी कहा था कि कब्रिस्तान कम पड़ेंगे दफनाने के लिए, इंसानों की लाश आप गिन नहीं सकेंगे। ये वायरस को रोकना बेहद जरूरी है। हमारी भी अदबन गुजारिश है कि पुलिस का साथ दे इस कोरोना वायरस से जंग लड़ने में। तो आइए एसीपी क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन अमल में आने के बाद हमारा आसिफ नगर डिवीजन में 5 पुलिस स्टेशन के लिमिट में चेक पोस्ट लगा दिया गया और रात में दिन 24 घंटे चेक पोस्ट काम कर रहे हैं। चेक पोस्ट बोले तो इम्पॉर्टेंट एरिया, जो ज़्यादा लोग रोड पे यूज़ करते हैं वहाँ पे 24 घंटे काम कर रहे हैं चेक पोस्ट। इसका मतलब क्या है बोले तो लॉकडाउन का मेन रूल क्या है, लोग गैर जरूरी नहीं फिरना बाहर। कोई एसेंशियल आइटम अगर बहुत जरूरी है तो बाहर आना, अगर आए तो भी एक घर से एक ही आदमी आना। एक ही आदमी क्यों आना बोले तो एक आदमी बाहर आया फिर घर को जाने के बाद उन्हें पानी ना लेना, गर्म पानी से कपड़ा धो लेना उसको, अगर कुछ वायरस वीरस लगने के चांस है बोले तो वो चले जाता। फिर 2-3 आदमी आए तो पूरा 2-3 आदमी हाथ धो लेना, पानी ना लेना, कपड़ा धो लेना, तो मुश्किल होता है उन लोगों को। इसलिए इसका मतलब ये है, इसलिए एक जने आओ बोल के बोलते, इसलिए इसको थोड़े लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए थोड़े लोग फॉलो नहीं कर रहे इसको। इसको कोई मजाक समझ रहे लोग। ये लोग बाहर आके कुछ ना कुछ वजह बोल के, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मेडिकल शॉप को जा रहा हूँ, नहीं तो अर्जेंसी है, सीरियस है बोल के जा रहे, उसका कोई प्रूफ भी नहीं है लोगों के पास। थोड़े लोगों के पास प्रूफ है, करेक्ट है, वो हम डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं उस टाइम पे, वो लोगों के पास प्रूफ है, वो सही बोल के हम समझ पा रहे हैं, वो लोगों को छोड़ दे रहे हैं। बाकी का लोग जो गैर जरूरी फिर रहे हमारे को घुमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो लोग गाड़ियों को सीज कर रहे हैं हम। ऐसा बहुत सारे गाड़ियाँ डेली 300 के ऊपर गाड़ियाँ सीज हो रहे हैं हमारे डिवीजन में, 5 पुलिस स्टेशन में मिला के। ये गाड़ियों को जो वो एरिया का पुलिस स्टेशन में अवेलेबल है, ऐसा ओपन प्लेस में रख रहे हैं, इसको पूरा सीज करके ये लॉकडाउन जब भी खत्म होता ना उसके बाद ही हैंड ओवर करते लोगों को, इसका ओनर्स को, वो भी कोर्ट में अटेंड हो गए तो ये लोगों को फाइन भी गिर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक सजा भी हो सकता ये लोगों को गैर जरूरी फिरने की वजह। कानून ये टाइम पे उतना स्ट्रांग है, ये टाइम पे क्यों स्ट्रांग है बोले तो बाहर आने के बाद अगर ये लोगों को भी नहीं मालूम रहे कि अंदर भी इसका अंदर वायरस रहने का चांस है, इससे दूसरों को लग सकता है, दूसरों को रहे सवारे इसको भी लग सकता, ये समझ ले कि लोग बाहर मत आइए। वो भी ज़्यादा जरूरत है तो आइए, ज़्यादा जरूरत है तो आना, अपना काम कर लेके किसी को टच नहीं करना, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए घर को चले जाओ। घर में बच्चों को फिर बड़े लोगों को किसी हाल में बाहर नहीं आने देना। ये आप लोग, मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये रूल को अपने के लिए, लोगों के भलाई के लिए रूल लागू किए सो है लोग, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, इसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा आपका ओन रिस्पांसिबिलिटी है, रिस्पांसिबिलिटी फील होना, ये आपका अगर इन्वॉल्वमेंट ना रहे तो सक्सेसफुल नहीं होता है। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इन्वॉल्व होके आपका इंटरेस्ट से वॉलंटरीली आप ये लॉकडाउन रूल को फॉलो करिए, आप स्टे सेफ, स्टे बाय स्टेइंग एट होम। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी,
घर बनता है इरादों से, और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 6303710882।